वेलकम टू लर्नियन। आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक। पहले देखो, एक होती है पीरियोडिक टेबल। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को चार पार्ट्स में, चार ब्लॉक्स में तोड़ा जाता है। चार ब्लॉक्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब चार ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं, एक एस होता है, एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है, एंड लास्ट क्या होता है अपने पास, एफ ब्लॉक, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एस पी डी और एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक के अंदर एक डब्बा होता है। कितना डब्बा होता है, एक ब्लॉक होता है, एक डब्बा होता है। पी की बात की जाए, पी के अंदर होते हैं तीन, पी के अंदर होते हैं तीन। डी की बात की जाए तो डी के अंदर होते हैं पांच। एंड एफ की बात की जाए तो एफ में होते हैं सात। ठीक है, S में एक, P में तीन, D में पांच और F में सात। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स स्पिन वाइज भरा जाता है। ये हो गए आपके सात ब्लॉक्स, ठीक है। F में तो जो S ब्लॉक है, S में किस तरीके से भरेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है, एक क्लॉकवाइज स्पिन होती है, ठीक है। भरने का तरीका कैसे होता है, दो तरीके से दिखाते हैं। एक तो इस तरीके से जैसे मैंने भर रखा है, दूसरा बताते हैं, दूसरा किस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे एरो को रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक अपसाइड में एक डाउन साइड में, ठीक है। इसको स्पिन वाइज भी बोलते हैं, ठीक है, कि स्पिन तरीके से हम इसको दिखा रखे हैं कि क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दोनों तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अब एक ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन्स आए तो एस में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो आते हैं, ठीक है। पी में देखा जाए तो पी में कितने आएंगे, दो दो के हिसाब से, तीन ब्लॉक्स है, दो दो के हिसाब से कितना आएगा, छह आएगा, ठीक है। तो देखो इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरा कैसे जाता है, अगर पी में मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन को बोला कि पी में हमें डालना है, तो हमने इस तरीके से डाल दिया। अब दूसरा आता है तो कई लोग क्या करते हैं, दूसरा इसी में डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले इसमें डालना पड़ता है। अब थर्ड जो आएगा, थर्ड को भी हम क्या करेंगे, थर्ड ब्लॉक में डालेंगे। एंड फोर्थ आएगा तब हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये रूल ही होता है कि पहले सबको अनपेयर करना पड़ता है एंड देन हम किस पे जाते हैं, उसकी पेयरिंग पे जाते हैं। ये रूल क्या होता है, इस रूल को बोला जाता है हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है कि पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल किया जाता है तो पहले अनपेयर किया जाता है तीनों को, बाद में उनको पेयर में लाया जाता है। इसी तरीके से डी ब्लॉक देख लेते हैं, डी ब्लॉक में भी पहले क्या करेंगे, पांचों को अनपेयर करेंगे, बाद में उसकी पेयरिंग हम स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से एफ में, एफ में भी पहले हमने अनपेयर किए, अकेले अकेले रखे, बाद में हमने उनका क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया, ठीक है, क्लियर है, उनकी पेयरिंग कर दी। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पूछे, एफ में कितने हो सकते हैं, दो। इसमें देखा जा रहा है कितने, छह। इसमें देखे तो दस और इसमें देखे तो 14, ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये चार ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, इन चारों को भी कुछ नाम दिया जाता है। देखो अगर मैं एस और पी ब्लॉक को कंबाइन करके पढ़ती हूं, या कंबाइन रखते हैं, मिलाते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव
आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनको कंबाइंड स्टेट में रखा जाए तो उनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन बात करें हम डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तीन सीरीज होती है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज, ठीक है, 3D, 4D, 5D, 6D, ठीक है, क्लियर है। अब देखो डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक की बात की जाए तो एफ ब्लॉक को कैसे बोला जाता है? एफ ब्लॉक को बोला जाता है अपने पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो हम बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और सीरीज, ठीक है। अगर मैं देखूं एफ ब्लॉक की तो एफ ब्लॉक को भी दो सीरीज में बोला जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। किस किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है? पहला होता है अपने पास लैंथेनॉइड, पहले होते हैं अपने पास लैंथेनॉइड एंड सेकेंड होता है अपने पास एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। हम इनके बारे में थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, पहले हम इतना देख लेते हैं कि अगर पी और एस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंबाइंड स्टेट में रखा जाता है तो क्या बोला जाता है? उन एलिमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक वाले को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और बात करें हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को दो तरीके से तोड़ा जाता है, या फिर इनको अगर कंबाइंड स्टेट में बोला जाए तो बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन के जस्ट बाद आते हैं, ट्रांजिशन के जस्ट बाद आते हैं अपने पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसको दो कैटेगरी में तोड़ा गया है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अब इनका लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका लैंथेनम का मतलब जो लैंथेनम है, लैंथेनम क्या होता है? उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है, ऐसे एक्टिनम फर्स्ट एलिमेंट होता है तो उसको एक्टिनॉइड नाम दे दिया, लैंथेनॉइड नाम दे दिया। ये सब चीजें धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की एक छोटी सी बात और बताऊं कि इन लोग के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स दोनों के अंदर होते हैं। लैंथेनॉइड के अंदर भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनॉइड के अंदर भी 14 एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम पहले पढ़ ले रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। अगर मैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ूं तो मैंने तुम्हें डी और एफ ब्लॉक के पहले बता दिया है कि इसको ट्रांजिशन को इनर ट्रांजिशन बोला जाता है, तो पहले हम देख तो लें कि डी ब्लॉक होता क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, मतलब एकदम डेफिनेशन लिख करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ समझाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि क्या हो कि तुम लिख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आ गया है कि हाँ ये होता है तो तुम लिख सकते हो, उसके ऊपर थोड़ी जितनी ग्रामर खाने तुम्हें लिखने तो बना सकते हो, केमिस्ट्री में यही तो चलता है, ठीक है। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि इनको एक तो ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके पास डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? किसी भी ब्लॉक का अगर पूछा जाए कि एफ ब्लॉक क्यों बोला जाता है, पी क्यों बोला जाता है, डी क्यों बोला जाता है और एफ क्यों बोला जाता है, तो हम एक ही रीजन देंगे, क्या? कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है उस ब्लॉक में जिस ब्लॉक के तुम पूछ रहे हो। अब पूछते हैं तुमसे डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में क्या होगा कि एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर चुका होगा? डी ब्लॉक के अंदर एंटर कर चुका होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। और देखो द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट एंटर्स इन डी सबशेल, डी शेल में क्या कर गया होगा? एंटर कर गया होगा, कूद किया होगा, तब हम क्या बोलेंगे उसको? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो डी ब्लॉक के अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये पूछ लेते हैं कई बार कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो तुम क्या बताओगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n माइनस वन डी वन टू टेन डी वन टू टेन एन एस टू। ठीक है, एन एस टू। अब देखो कैसे, हाँ इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी हमने कि n माइनस वन डी वन टू टेन एस एन एस वन टू टू। वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, वन वाले जो है ये दो मतलब जितने भी सीरीज है हमारे पास तीन से चार सीरीज है, इसके अंदर तीन से चार लाइन इसके अंदर जिसके अंदर क्या आते हैं एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है वन टू टेन डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक से लेकर के दस तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसी तरीके से एस में भी वन से लेकर के दो के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी इतनी है एस की, एस कितना ले सकता है, दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। डी से पूछा तो डी कितने ले सकता है, दस ले सकता है। ठीक है, तो इसी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुई क्लियर। उसके बाद देखो क्या तुमसे क्या पूछा जाए कि डी ब्लॉक तो सिर्फ ये क्लियर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये बात तो हमने मान ली कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। बट ऐसा क्यों, हमने उसका नाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी रख रखा है, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं कि उनके पास क्या होता है, उन एलिमेंट्स के पास डी ब्लॉक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, तब जाकर के हम उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, दोज एलिमेंट विच हैव प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, डी शेल के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है दैट मीन्स कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो देखो आगे की बात करें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर 3D सीरीज की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 4D सीरीज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 5D सीरीज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनकी बात करते हैं। ठीक है, और 6D सीरीज में कौन से आते हैं। तो पहले बात कर ले 3D सीरीज की, 3D सीरीज की, 3D सीरीज की किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D सीरीज या फिर डी ब्लॉक की 3rd सीरीज। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 3D सीरीज बोल रहा है मतलब डी किसमें होगा, 3 में होगा। ठीक है, डी का कौन सा वाला चलेगा, 3 वाला चलेगा, और एस का क्या चलेगा वो देखते हैं। देखो अगर मैं, हमने अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी एन माइनस वन इंटू टी वन टू टेन एन एस टू। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, अगर मैं एस को रखती हूँ 4, एस को एन को कितना रखती हूँ 4, सॉरी एन को कितना रखती हूँ 4, एस 2 हो जाएगा, डी 1 टू 10 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, तो कौन सी सीरीज रहेगी, 3D सीरीज ही हुई ना। 3D सीरीज में 1 से लेकर के 10 तक के हो सकते हैं 4, ऐसे में अपने पास 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से 4D में भी होता है, 5D में भी होता है, 6D में भी होता है। क्लियर है, चलो देखो इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो देख लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर, 21 को लेकर के 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं 3D सीरीज के अंदर, 3D सीरीज के अंडर में आते हैं 21 से 30 तक। ठीक है, 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स किसमें आते हैं, 3D सीरीज में आते हैं। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या सबका पढ़ाना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, कैसे, क्योंकि इतनी बड़ी तो वीडियो हम बना नहीं सकते। 3D सीरीज के बारे में पहले पढ़ा देंगे, 4D और 5D के बारे में नॉलेज थोड़ा सा तुम लोगों को क्या दे देंगे, बता देंगे कि किस तरीके से होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम इजीली निकाल लोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्टेरिडियम की, तो स्टेरिडियम आता है 21 नंबर पे, 21 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। तो स्टेरिडियम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3D1 4S2,
3d1 4s2। यहाँ पर क्या होता है, आर्गन भी होता है, लेकिन हम जो लिखते हैं जनरली 3d1 4s2 ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्गन जो है, ठीक है, मान लिया कि आर्गन क्यों आया, क्योंकि इससे पहले की, जस्ट पहले की जो नोबल गैस होती है हम उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन से पहले एक ही नोबल गैस आई थी, कौन सी आई थी, आर्गन आई थी, और आर्गन अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन लेके चल रही है, अच्छा पता है ना, ठीक है, ये 18 लेकर के चल रही है। अब इसको चाहिए कितने, 21 बनाने के लिए 18 में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हम एस और डी में डाल देते हैं, ऐसे में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमें पता है जी के अंदर हम उसी के हिसाब से डाल देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इसमें डाला 1 इसमें डाला, बात खत्म, प्लस में 3, तो हमारे पास निकल के आता है 21, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आई। एक दो की और देख लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम आता है, ठीक है। टाइटेनियम का क्या हो जाएगा, आर्गन तो रहेगा, क्यों, क्योंकि एक नोबल गैस को तो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना ही है, ठीक है। अगर मैं 3D में देखूं तो अभी तो क्या था, 3D और 4s, इसमें देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे। हमें आर्गन का पता है, आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने खुद के 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, 18 प्रोटॉन्स की प्रेजेंस है, ठीक है। ऐसे और डी के अंदर हम कितना कितना डालेंगे वो देख लेते हैं, 18 इसके पास है, ये बंदा आ रहा है 22 पे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 22 होंगे, तो 22 बनाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, 2 तो इसमें रहते हैं और 2 इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि अभी जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के पास अभी टेंडेंसी है वो 10 ले सकता है ना। तो देखो यहां तो क्या था, डी ब्लॉक था अपने पास, ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, यहाँ एस था, एस के पास कितने हैं, 2 है अपने, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इसमें क्या होंगे, ये तुम्हारा डी ब्लॉक और ये तुम्हारा एस ब्लॉक, ठीक है। तो डी के अंदर कितने होंगे, 2 है और एस के अंदर भी 2 है, ठीक है, इसी तरीके से आगे भी चलता जाएगा, ठीक है। मैं ये वाली सीरीज तो पूरी करवा दी हूँ तुम्हारी, बाकी 4d 5d 6d देख लेना तुम, आइडिया दे दूंगी थोड़ा थोड़ा सबको। अगर आगे देखो मैं, आगे क्या आता है पास 23 नंबर पे, हमें ये पता चल गया कि 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसमें आते हैं, 3D सीरीज में आते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया स्कैंडियम, हो गया टाइटेनियम, हो गया आगे आता हमारे पास वैनेडियम। तो वैनेडियम हमारे पास आता है 23 नंबर पे, 23 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ी कॉन्फिगरेशन, आर्गन रहेगा, आर्गन रहेगा, 3D और 4D की बात करते हैं, 3D और 4s की, सॉरी 3D और 4s की, तो इसमें तो रहेगा 2 और इसमें कितना चला जाएगा, 3, क्योंकि हमें 5 की जरूरत थी, थोड़ी देर पहले हमें 4 की जरूरत थी तो हमने 2 और 2 करके डाला था, अब हमें 5 की जरूरत थी तो हमने 3 और 2 करके डाल दिया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या आता है, क्रोमियम आता है, तो क्रोमियम आता है हमारे पास 24 नंबर पे, 24 नंबर पे आता है, तो इसकी क्या हो जाएगी, आर्गन रहेगा, 3D। अब देखो यहां पर लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं क्या, कि यहां पर 3D 4 कर देते हैं, ठीक है, और 4s2 रह देते हैं, तो ये हो जाता है बेटा गलत, हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग, क्लियर है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 3D 5 4s 1, क्यों, क्योंकि हंस रूल ने क्या कहा था, सबको पहले अनपेयर करो बाद में पेयर करो, तो उस वाले रूल को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, 3D 5 करता है, 4s 1 करता है, अपना एक और इलेक्ट्रॉन इधर की साइड दे देता है, ताकि डी वाला क्या हो जाए, सारा का सारा अनपेयर हो जाए, पांचों के पांचों जितने भी डब्बे थे उसमें 5 के 5, तो पांचों के पांचों में कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। आगे इसी तरीके से जाएगा, 6 जाएगा 7 जाएगा 8 जाएगा, 8 के बाद फिर से वापस ऐसा ही होगा, 10 1 10 2, ठीक है। उन दोनों की बात कर लेते हैं, कॉपर और जिंक की, अभी बात करते हैं कॉपर और जिंक के बीच में तुम कर लोगे, मेरे को इतना है थोड़ा सा। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर आता है मेरे पास 29 नंबर पे, 29 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, कॉपर आता है, कॉपर की क्या हो जाएगी, आर्गन
ठीक है, 3D9 आना चाहिए था और 4S2 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर भी क्या होगा, 3D10 4S1 होगा, क्लियर है। अगर जिंक की बात करें तो जिंक में तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, कितने पे आता है, 30 पे आता है, और क्या होगा आर्गन रहेगी के साथ में और 3D10 4S2। आई थिंक कि आप लोग का 3D सीरीज कंप्लीट हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।